Any couples that tried, raise your hand. Okay, ma'am over there. Hi ma'am, what's your name? Anjali and Saraya Sathaj? Hi. Kya naam? Avneet. Okay, Avneet and Anjali. Give me one specific reason on which you fight. अंजलि जी तो भरी पड़ी थी, पता है? अंजलि जी तो सिर्फ प्लेटफॉर्म ढूंढने ही आई थी, पता है? इनको शो से मतलब ही नहीं है, पता है? इंतजार में थी, आई थी गौर, यार साले की लंका लगवा दूंगी। ओके ठीक है मैम, पूरा एकदम बकाया था, थेरेपी सेशन ही बना देंगे, बताइए बताइए अंजलि, टेल मी मोर यार, टेल मी। अच्छा, घर पे है? हाँ, आपको बोल रहा है सॉफ्ट बॉक्स यूनिट आया। ठीक है ठीक है ठीक है, और बताइए। हाँ बताइए बताइए, क्या मैम मेरा शो तो होता रहेगा, ये जरूरी है, अगर हम किसी की मदद कर पाए मैम बहुत जरूरी है। बताइए अंजलि जी, और क्या क्या दिक्कत है? विनीत भाई आप करते हो ऐसे, गंदा घर रखते हो? अच्छा तो अंजलि जी गंदा रखती हैं, अंजलि जी आप गंदा रखते हो घर, क्यों गंदा रखते हो घर, तो साफ रहना चाहिए। थोड़ा तो मैनेज करना पड़ता है, मैं पूरा सपोर्ट में हूँ। विनीत भाई ये तो यार बच्चा भी है, सब मैनेज आसान है क्या, है ना? ये क्या आसान तो नहीं है, प्रोफेसर बक्सा कौन उठाएगा? ये अवनीत वही है क्या, मेरे पापा भी हंसते यार, ये यहाँ पे ऐसा क्यों पड़ा है? नहीं छोटा रीजन पूछा था यार, ये फैमिली कोर्ट वाले केसेस में नहीं डलता हूँ मैं, इसके लिए तो आपस में थोड़ा समझना पड़ेगा। दोनों कोई बात नहीं, दोनों एक दूसरे का साथ दीजिए, है ना, साथ में बच्चा बड़ा करेंगे, है ना, मतलब आप दोनों साथ में बच्चा बड़ा करेंगे। अरे गौरव जी आओ, कोई दिक्कत नहीं हमारे घर, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। अवनीत भाई बेसिक सवाल हटा दिया करो, तो ऊपर मुझे पड़ा रहता है। नहीं आपको कौन बोल रहा है झाड़ू मारो पोछा मारो, और जो पता है बेस्ट तरीका क्या है भाई, सारा सामान इकट्ठा करो अलमारी में घुसा दो बैठ, कुछ कर रहे नहीं भाई, एक चद्दर लाओ उसमें सब इकट्ठा कर दो, गोला मारो जूता समेत अंदर डाल दो भाई, इनको लगेगा साफ है। हाँ जी मैम, व्हाट्स योर नेम? श्रुति एंड असीम एंड श्रुति, यस असीम एंड श्रुति, गिव मी वन स्पेसिफिक रीजन ऑन विच यू फाइट। शाम की चाय कौन बनाएगा, जाहिर सी बात है असीम जी बनाएंगे। नहीं कौन, आप बनाते हो? आपको चाय बनानी नहीं आती? तो असीम आपकी मम्मी मानी कैसे, कभी कभी तो बना देनी चाहिए यार, चाय बनाने में क्या, गंदी बना दो ना, ऐसी बनाओ एक साल बोली ना पाया दोबारा, मत करो, इतना दूध डाल दो इतना पानी डालो, कुछ ऐसा बना दो, नहीं झेरी डाल, तभी अग्रेसिव लोग ही आए भाई, कौन सी आई भाई, 1965 की सांस कहाँ से आई है, जहर डाल दूंगी खाने में। नहीं नहीं नहीं, समटाइम्स श्रुति जी आई थिंक यू शुड मेक, समटाइम्स नो आई एम नो वन टू टेल यू, बट जनरली स्पीकिंग समटाइम्स अनदर पार्टनर शुड ऑल्सो मेक। या मैम यू आर सेइंग समथिंग, यस व्हाट्स योर नेम? साक्षी एंड नमन एंड साक्षी, बताइए क्या स्पेसिफिक रीजन है, कितने टाइम साथ हो? 3 साल। हाँ जी बताइए। साक्षी का एकदम क्लियर था भाई, नथिंग बीटिंग अराउंड द बुश, इसको मैं काम बोलती हूँ ये सुनता ही नहीं। हाँ आगे कुछ आप बता रहे थे। ये नमन सोच रहा है कि वो साइकोलॉजिकल जूतियां बना दूंगा मैं, है ना, वो काम बोली, 4 काम बोल दी, इसने बोला तुम क्यों नहीं करा, I was totally lost somewhere, I could not focus, and suddenly, तुम तो ये फालतू बातें बंद करो ठीक है, ये लॉस्ट लूज की बातें मत करो मेरे से, तुम फोन पे लगे पड़ते बता दो। नमन भाई कहाँ लॉस्ट रह रहे हो आप?
It's a hack. But don't you think it is not working? Because she knows that you are lying. Who is lost? Nobody is lost. Yeah? Yeah? She's studying to become a psychologist. Yeah, so you are a good case study for her then. ये वाले जब लौटने आए ना, I am lost, ma'am. Jump. बना चाय बना. नहीं, ऐसे मत करो यार. कुछ तो काम आपको ही करने चाहिए. क्या है लौटने लपाटे काम क्यों नहीं कर रहे बस? असीम जी है क्या अकेले लगे पड़े चाय लगाने में? मुझे लग रहा है घर जाके असीम मिलेंगे. देखा, सारे के सारे लौटने जिंदगी जी रहे हैं. कुछ फेमिनिज्म नहीं आया. तुमने इस घर के अंदर फेमिनिज्म गुजार रखा पूरा. एक छन्नी पकड़ा दिए, चाय बना दी. नहीं, ठीक है. ऊपर है किसी का रीजन? नहीं है. हाँ जी भाई, बताओ, चिल्ला के बताना. अरे हाँ, मैम आई है साथ में कि नहीं आई है? कहाँ? आपका नाम बताओ पहले. मेरा नाम ए है, इनका नाम बी है. आपका नाम ए है, बी है? अच्छा, हाँ, ओ ए बी करके आप ये वाला गेम खेल रहे हो. चलो ठीक है, तुम्हारा नाम राहुल, इनका नाम स्वाति. ठीक है, डन. हाँ राहुल, बताओ. राहुल गया वॉशरूम. अबे भाई, थर्ड पर्सन में नहीं बात करनी यार. में चला गया तो गौरव एक कैरेक्टर होगा राहुल. हो गया वॉशरूम. ठीक है भाई, राहुल भाई, राहुल गया वॉशरूम. फिर क्या हुआ? जब राहुल वॉशरूम जाता है, उसकी वाइफ शाम को वापस आई. तुम वॉशरूम जाते हो, किसकी वाइफ वापस आई है? या तो पूरा थर्ड पर्सन कर या पूरा फर्स्ट पर्सन कर. राहुल वॉशरूम गया. ठीक है, राहुल को लगी लैटिन पेशाब. कुछ भी करने गया, सैंपल देने गया. ठीक है, कुछ भी करने गया. हैं? तो उसके शॉर्ट्स जो थे वो बाहर ही रह गए. एक सेकंड भाई, राहुल वॉशरूम घुस चुका है, शॉर्ट्स बाहर रह गए. तो तुम क्या कमरे में शॉर्ट उतार? राहुल क्या नंगा वॉशरूम जा रहा है? राहुल के शॉर्ट्स वॉशरूम में जाके क्यों नहीं उतर रहा है? मेरी वाइफ वापस आई तो उन्होंने देखा कि इन्फिनिटी साइन में मेरा नेकर वैसे ही रखी हुई है. नेकर? यार तुम नेकर वर्ड कहां से निकाल दिया? राहुल भाई, आप बढ़िया कैरेक्टर हो. एक सेकेंड, राहुल गया वॉशरूम और आपकी वाइफ वापस आई. ठीक है, सुनो तुमने भाई फिर फर्स्ट पर्सन कर दिया यार. राहुल गया वॉशरूम नंगा होके. सब ये देख लो, ये 1500 रुपये देखे ये सुनने आए हैं कि राहुल गया वॉशरूम नंगा होके, नेकर पड़ा रह गया बाहर. नेकर पड़ा है बाहर और वाइफ अभी आई. आप अब तो अपनी वाइफ पे ध्यान दो. ठीक है, ठीक है, नेकर बाहर है, भाई राहुल की वाइफ वापस आई. फिर नहीं, राहुल दोपहर में वॉशरूम से वापस आ चुका है. अरे भैंस, अरे राहुल कब गया हगने भाई? एक सेकंड रुक जाओ. ठीक है, बाहर जो एक सेकंड रुक रहा है, इसका नाट्य रूपांतरण करेंगे. ये राहुल रूम में बेडरूम में बैठा है, वो रहा वॉशरूम, ये राहुल ने उतार दिया. तो राहुल कुछ पलों के लिए अपने बेडरूम में नंगा है इसलिए, और इस टाइम राहुल की वाइफ घर पे नहीं है. अच्छा, नेकर की बात करो, अंडरवियर. ठीक है भाई, तो आप घर में अंडरवियर नेकर दोनों पहनते हो? हम तो घर में एक ही पहनते हैं. वो हम तो ऐसे सब लोग ऐसे नहीं मानते. जब मतलब तुम तो बॉक्सर में घूम रहे थे, फिर कोई मेट आती, मतलब मेरी वाइफ बोलती पहन के कुछ ढंग का. ठीक है, राहुल लेकर उतार के कच्चे में वॉशरूम गया. ठीक, गया वॉशरूम, आ गया पैजामा. कहाँ से आया? दरवाजे के पीछे पजामा टंगा हुआ है. वो पहन के वापस आ गया. ठीक है, नेकर वहीं की वहीं पड़ी है. राहुल की वाइफ स्वाति आई, तो उसने देखा कि वहां पर इन्फिनिटी साइन में कच्चा पड़ा हुआ
इन्फिनिटी साइन में, समझ गया, क्योंकि तुम ऐसे उतार के, ये है राहुल की हरकतें, कमरे के अंदर लेकर उतारा और दोनों टांगे निकाल के चलो जी लैट्रिन। राहुल की वाइफ थकी हारी ऑफिस से आई, कहीं से भी आई, राहुल की वाइफ ने कमरे में घुसते ही देखा, अरे कदापि नहीं, मेरा पति कहां चला गया, ये कौन था चोर जो लेकर के बिना लेके गया। ठीक है, नेकर पड़ा है और राहुल की वाइफ ने देखा नेकर इन्फिनिटी साइन में, समझ गया ना, इन्फिनिटी साइन ऐसे, हाँ यस कॉमर्स, ठीक है यस राहुल। इसके बीच में आपकी माँ यहां से आई, मैं बताता हूँ, राहुल की वाइफ स्वाति ने देखा नेकर पड़ा है इन्फिनिटी में, राहुल की वाइफ स्वाति ने बोला तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है क्या कि नेकर भी दरवाजे के भी, वैसे आपका नेकर भी तो दरवाजे के पीछे टंग सकता था, कभी भूल जाता है आदमी कहीं कभी, तो इस बात पे कलेश हो गया कि है लॉस्ट रहते हैं, आप बोलते थे नमन वाला बोलते थे मैं लॉस्ट रहता हूं, समझ गया भाई राहुल भाई, आप बड़ा ही दिख, इस बात पे तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए भाई, आपके हल्के हल्के आंसू इंटे सुना निकल जाए गौरव जी, उस दिन से पता गौरव भाई मैं सिर्फ कच्चे में ही घूमता, पता मैं नेकर पहनता ही नहीं हूँ, ताकि ना नेकर उतारूंगा ना भूलूंगा। मेक सेंस मैन, आई अंडरस्टैंड, आई फील यू राहुल, बिकॉज ऐसी आपकी गलती नहीं है, आप ऐसे बैचलर रहे हो दोस्तों के साथ पहले कभी, आई नो दिस हैबिट इज कमिंग फ्रॉम देयर। मेरा एक दोस्त था भाई, वो पता है पैंट और चड्डी कसम से जाता था और ऐसे उतार के उसमें से वो सीधा बॉक्सर में घुसता था दूसरे इन्फिनिटी में और वो पहन के घूमता रहता था, तो बीच में कुछ पल तो वो भी आते थे, क्योंकि जब यहाँ से वहाँ का ट्रांजिशन होता था तो हमारे भी, अरे भाई यार क्या दिखा रहा है यार, कसने इसके घर में चार पांच गोले पड़े हुए थे पता है, इसने पूरे पेयर्स में पैंट और चट्टी के पेयर बने पड़े थे हमारे घर पे, कसम से ऐसे गोले चार पांच पड़े रहते थे, निकल के उसमें घुस जाता था, तो एक बार हमने बोला उसे, मैंने भाई ये क्या करता रहता है यार, तू दोनों साथ में क्यों करता है, कह रहा भाई मेरे से सेम काम दो दो बार नहीं होता यार, कौन करे इतनी मेहनत, मैंने बोला काम कर इसको पैंट और चट्टी को सिलवा ले, एक काम कर कॉम्बिनेशन का पेयर बना के निकला कर तू बाहर। So guys, that was the end of the video. I hope you guys liked the video. A very important announcement now. I am doing almost a world tour. जिसमें इंडिया टूर के सारी सारी डेट्स यहाँ पे हैं, ये साइड में आ जाएंगे इस टाइम पे, सो यू कैन सिलेक्ट योर सिटी एंड कम टू द लाइव शो। प्लस आई विल बी डूइंग अ टूर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा इन जुलाई एंड अगस्त, बहुत एक्सटेंसिव टूर है, यूएस की 15-16 सिटीज है और कनाडा की आई थिंक 6-7-8 सिटीज है, तो सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे, ये रहा यूएस का पोस्टर और कनाडा का पोस्टर, ये रहा। उसके बाद यूके की 4-5 सिटीज कर रहे हैं, मैनचेस्टर, स्लाओ, लंदन एंड ग्लासगो, और उसके अलावा स्कैंडिनेविया, यूरोप में इस बार पूरा टूर नहीं है, स्कैंडिनेविया की 3 सिटीज है। सारी डिटेल्स वगैरह, पोस्टर वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं, इन केस यू हैव योर फ्रेंड्स ओवर देयर डू टेल देम एंड आस्क देम टू कम फॉर द लाइव शो। लाइव शो होता है पूरा अलग एक्सपीरियंस होता है, जिसमें इंटरेक्शन पार्ट भी होता है 10-15 मिनट का बीच में, बट मेनली इट्स अ लॉट ऑफ जोक्स। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया टूर भी है, वो है फेब मार्च 25 में करेंगे वो, तो एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी होगा, उस लिंक पे आप अपने डिटेल्स वगैरह डाल दीजिए, तो वो प्री सेल टिकट लिंक जब भी वो लाइव होगा, आई थिंक अक्टूबर के आसपास लाइव करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी जो भी टूर का मैंने बताया, इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, स्कैंडिनेविया, सारे के सारे जो टिकट लिंक है वो फर्स्ट कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में भी है, उसके अलावा मेरे इंस्टा बायो में भी आपको सारे टिकट लिंक मिलते रहेंगे, तो सी यू गाइस ओवर देयर। यूएस कनाडा टूर इज ऑलमोस्ट 40-45% सोल्ड आउट, सो थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स टिल नाउ एंड होप टू हैव एन अमेजिंग टाइम ओवर देयर।